सच्चिदानंद भगवान की सनातन धर्म की गौ माता की भारत माता की सभी माताओं की यहाँ जन्म होता है, शादी होती है तो उत्सव उत्साह में हमारा प्रवचन भूल जाता है। पर फिर भी मैं पहले बोल चुका हूँ कि भागवत में दो उदाहरण हैं, एक तो प्रह्लाद के पिता जो और किसी को भगवान को नहीं मानते और अपने अमर होने का वरदान मांगते हैं, अर्थात जो शरीर दृष्टि से अमर होने की मेहनत करते हैं वो प्रह्लाद के पिता की तरह फेल होंगे, कुछ भी कर लो। और एक परीक्षित हैं कि जब सातवें दिन सांप काटने से मृत्यु होनी है तो भागवत सुनते हैं और मृत्यु से पार हो जाते हैं। उपनिषद में भी मंत्र है, कहानी नहीं है, तम एव विदित्वा अति मृत्यु मेति न अन्यः पंथ विद्यते अयनाय, उसको जानने के अतिरिक्त जिसकी लीलाएं सुन रहे हो उनके जानने के अतिरिक्त मृत्यु से पार होने का और कोई रास्ता नहीं है, कुछ भी कर लो। इसलिए शरीराभिमान से मुक्त होकर आत्माभिमान पैदा करना। और आज अभी रास की कथा सुन रहे थे हम लोग, ये कहते हैं वृत्तियाँ जितनी हैं सब गोपियाँ हैं और हर वृत्ति में आत्मा साक्षी हर वृत्ति में विद्यमान रहता है और साक्षी आत्मा लिप्त नहीं होता। तो भगवान कृष्ण साक्षी के प्रतीक हैं, वृत्तियाँ गोपियाँ हैं, सबके साथ रहते कृष्ण मुक्त रहते हैं। और वृंदावन में पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी का आश्रम है, हमारे गुरुदेव का नाम भी वही है, वृंदावन वालों का नाम भी वही है और उसी समय एक नासिक में भी इसी नाम के थे। विषय ये है कि वृंदावन में उनका जो भगवान कृष्ण का मंदिर है उसका नाम ही है साक्षी गोपाल। अर्थात परमात्मा कहीं लिप्त नहीं होता। और गुरुओं ने, नवें गुरु जी ने कहा सर्वनिवासी सदा अलेप, सब में रहता है पर अलिप्त रहता है। और ये जीव अज्ञान से परमात्मा से अलग मानकर लिप्त हो जाता है। इसके भी मंत्र हैं, पर मंत्र बोलूँगा तो समझ में, तो मुझे हिंदी में बोलना ही पड़ेगा तो मैं मंत्र छोड़ देता हूँ। हर शरीर में दो चेतन है, एक चेतन एक चिदाभास, चेतन और उसका प्रतिबिंब, चेतन और उसका आभास। तो आभास ये मंत्र है द्वासुपर्णा, दो एक साथ रहते हैं जुड़वा। तो एक भोक्ता बन जाता है जब तक उस दूसरे को नहीं प्राप्त कर लेता। तो दो चेतन, जब ये चिदाभास उस चेतन से मिल जाता है तो ये भी मुक्त हो जाता है।
एक ही उपाय है मुक्त होने का, जो उससे हम अपने को अलग समझ रहे हैं, यद्यपि एक शेर में भी बहते हैं कि यदि किसी को परहेज है, जैसे इस्लाम में मना है अपने को खुदा मत कहो, तो भी एक शेर है, बंदे को खुदा मत कहो, बंदा खुदा नहीं लेकिन खुदा के नूर से बंदा जुदा नहीं। जैसे सूर्य का रिफ्लेक्शन, सूर्य नहीं है लेकिन रिफ्लेक्शन सूर्य के बिना कुछ नहीं है, इसलिए वही है। तो बोलने का सोचने का ढंग अलग है, पर यह समझना है कि उससे हम जुदा नहीं हैं और असल में उसे प्राप्त नहीं करना है, उसकी अनुभूति करके प्राप्त की। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, पानी में मीन प्यासी है, अभिप्राय पानी में रहती है और प्यासी है। तो ये हमारे लिए कहा कि जिसको तुम ढूंढ रहे हो उसी में रह रहे हो। क्या है? सच्चिदानंद, सत जो मरता नहीं, चित जिसमें अज्ञान और जड़ता नहीं, आनंद जिसमें दुख नहीं, सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद सबके अंदर है, परंतु हम उसे पहचानते नहीं। हमारी दृष्टि, कल जो पुस्तक का विमोचन हुआ है उसमें भी ये बात है, कोई धीर पुरुष उसे जान पाता है इंद्रियों को संयम करके नहीं। इंद्रियां आपकी चेतना को, जिस चेतना को परमात्मा का अनुभव करना है, वो चेतना विषय हमारी चेतना को खींच लेते हैं, हम इसी में लगे रहते हैं, व्यस्त, फुर्सत ही नहीं है। और देखो, गोपियों की भी कथा जो आज आपने सुनी, वो सब विवाहिता थी, उनके पति थे, पर उनको भूल के इधर आई। ऐसे ही आप सबके पति हैं, यहाँ स्त्रियों के ही नहीं पुरुषों के भी पति हैं। हमारे गुरुओं ने नवा महिला, पहला महिला माने महिला शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात जीव महिला की तरह है और परमात्मा पति की तरह है। जब जीव, ये गोपियाँ रूपी जीव जब उसको पाते हैं तो भगवान कृष्ण के साथ समझो लीलाएं करते हैं। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ही भूल कर दुखी हैं, हम ही पाकर सुखी होंगे। भगवान को कुछ नहीं मिलना, ठीक है, इसलिए हम अपने लाभ के लिए अपने रस, और देखो देह के अभिमान से भी, मैं देह हूँ इस अभिमान से किसको फर्क पड़ा? देह को तो पड़ा नहीं, देह तो जैसा है, जो देह को मैं मानते हैं उनका देह भी बदलता है, जो देह को मैं नहीं मानते उनको भी बदलता है, फर्क क्या है? देह को मैं मानने वाले देह के धर्म अपने साथ जोड़ के जन्मते मरते और सीमित हो गए, सीमित। और जो अभिमान छोड़ के ब्रह्म से अस्मिता कर ली, वो व्यापक हो गए, सर्वत्र हो गए। और एक ही बात मैं बार बार कहता हूँ सबके लिए कि हम भाग्यशाली हैं, हमारे देश में उपनिषद हैं, उपनिषद, और भगवान शंकराचार्य ने उपनिषदों पर भाष्य किए हैं। मैं जब अमेरिका गया तो ज़्यादातर उन्हीं के घर गए जो संतों से प्रेम करने वाले थे, धर्मात्मा थे, धार्मिक थे, बाकी तो हमें बुलाए नहीं, घर ले ही नहीं गए, और ठहरे भी उन्हीं के घर, इसलिए उनके घरों में वो पुस्तकें मिली जो मैंने यहाँ होते हुए मैंने नहीं देखी थी। उपनिषद उनके घर देखे, योग के ग्रंथ, और भारत के अच्छे चिंतक उनकी पुस्तकें वहाँ हिंदी में। एक पुस्तक आई एम दैट अंग्रेजी में, तो विदेशी लोगों के घर ये पुस्तकें मिली। और मैं ये नहीं कहता कि उनके सबके यहाँ हैं, पर फिर भी दुर्भाग्य से हमारे घरों में उपनिषद नहीं मिलते, भागवत नहीं मिलती, हमारे घरों में गंदी किताबें मिलती।
और ये भी कहा कि लोग नशा करते हैं, सुबह उतर जाता है। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, नाम की मस्ती जो चढ़ी रह सकती है उससे हम जुड़े नहीं। इसीलिए हम अभी कल परसों बोला था, ये जो राम नाम है अपने पड़ोसी बूढ़ों को सम्मान से श्रद्धा से कि आप आज नहीं कल कभी न कभी शरीर छूटेगा, चलते समय भगवान की याद करके जाना चाहिए। भगवान ने कहा जो भ्रूमध्य में अपने प्राणों को करके जिस जिस भाव का स्मरण करते हैं उसी उसी को प्राप्त हो जाते हैं। गुरुओं ने भी कहा अंतकाल में जो लक्ष्मी सुमिरे, अंतकाल में स्त्री सुमिरे, ऐसे करके नाम लिए हैं। तो कोई सांप बनता है, कोई सुअर बनता है, सुअरिया क्यों, जो अंतकाल में पुत्रों की याद करते करते मरता है, और ज़्यादातर उन्हीं की याद करते मरने वाले लोग हैं। पशु पक्षी बच्चा सयाना हो जाता है, मोह ममता खत्म, दूध पिलाते हैं तब तक है, बाकी वो बच्चा कहीं जाए कहीं ना जाए। ये हम लोग बुढ़ापे तक उन्हीं बच्चों से चिपटे रहते हैं, और ऐसे लोगों को गुरुओं ने कहा है वो सुअरिया होती, क्योंकि बच्चे की ललक थी तो इकट्ठे बारह बारह होते हैं। जितने जीवन भर में मनुष्य नहीं करता, एक ही मजहब है जो सुअरियों की कंपटीशन कर सकता है, बाकी तो ठीक है। तो आपसे इतना ही आग्रह है कि संसार के काम करो पर इसमें लिप्त नहीं हो, कर्तव्य समझो, ड्यूटी। भगवान ने जन्म दिया है शादी करना, बच्चे, ये हम बच्चे पैदा करने नहीं आए, ये तो हमारी ड्यूटी लगाई है, इनके पालने की ड्यूटी लगाई, आसक्ति हमारी भगवान ने। इसलिए भगवान ने कहा मैया सक्त मना पार्थ, मुझ में आसक्ति वाले हो जाओ, मुझ में रति, मुझ में प्रीति। वेदांती क्या कहते हैं, आत्मरति, आत्मक्रीड, आत्म मिथुन, आत्मानंद। जैसे मेल फीमेल देखते हैं, मुस्कराते हैं, दूर से मिलते हैं, उन लोगों का भी है जिनसे बोल नहीं सकते, हाँ, तो उन लोगों के लिए वो ऐसी लाइनें बनी हैं, दरे दीवार खड़े हैं तुम्हारा क्या लेते हैं, देख लेते हैं दिल की तपन बुझा लेते हैं, तो लोग देख के खुश हो लेते हैं। तो भगवान की याद करके खुश होना, नाम सुन के खुश होना, जैसे प्रेमी प्रेमिका का नाम ही कोई ले ले तो काफ़ी खुशी हो जाती है। तो हम भगवान के नाम से खुश हो, चार भक्ति हैं, नाम रूप लीला धाम, चार भगवान की भक्तियाँ हैं। तो किसी भी एक भक्ति में भगवान के नाम से प्रीति करो तो कल्याण, भगवान के रूप का ध्यान करो तो कल्याण, भगवान के गुण, गुरुओं ने क्या कहा, गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारथ की, तो भगवान के गुणानुवाद गाना, जैसे कितना अच्छा है वो, कितनी सुंदर है वो, कितनी पढ़ी है, कैसा चलती है, उसकी अच्छाई दिखने लगती है प्रेम के कारण हो जाए ना। एक हमारा साधु ने शादी कर ली, सच्ची बात है झूठ नहीं है, तो शादी कर ली, वो था तो हमारी परंपरा का, तो हम झांसी में थे और उस जिससे शादी की थी उससे भोजन बनवाया, तो चूँकि रीझा था तो उसका सब कुछ अच्छा लगता है, तो कहते हैं कितना अच्छा भोजन बनाया, कितना सुंदर है, और मैं खाया तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर वो रीझा था, तो जिस पे रीझ जाए उसके दुर्गुण भी गुण लगते हैं, और जिससे नफरत हो जाए गुण भी दोष लगते हैं, ठीक है। इसलिए भगवान से प्रीति करो, मैं आसक्त मना, मेरी भक्ति करो। तो अभी इतना कह के समाप्त करते हैं, और देखो हम माने न माने, हमारा लोग मनाते तो नहीं, पर हमारे जन्म में सहज ही दिवाली होती है, जैसे गुरुओं ने कहा कि चंद्र और सूरज आरती करते हैं।
ज्योति जलाने की जरूरत नहीं। ठीक है, ऐसे ही हमारा जन्मदिन तो सारी दुनिया मनाती है, पर वो पहचान कर हमारा समझ के नहीं, हम अपन मान लेते, हमारा नहीं मनाते, पर श्रद्धालु लोग मनाएंगे। ठीक है, तो श्रद्धालुओं की दृष्टि से इस अखंड परम धाम में स्वामी अनुभूतानंद के श्रम से ये आश्रम बना है। और हम लोग तो छोटे थे ना, हम लोगों को अब तो ज्ञानी की ज्ञान के कारण चीज़ें भूल गए, नहीं तो एक बार ज़्यादा सूखा पड़ा, जानवर मर गए, वो ज्वार खा के वो जहरीली हो जाती, तो हमारा बैल मर गया, हमारी भैंस, और एक भैंस अधमरी रही, पानी बहुत बरसा, तो हम लोग कहते थे भगवान तक संदेश पहुंच गया, मर के गए ना तो पानी बरसा दिया। ऐसे ही लोग जाते हैं तो कहते हैं उनकी ये हुआ आशीर्वाद मिला। तो कई बार सिद्ध पुरुषों का शरीर छोड़ने के बाद भी आशीर्वाद मिलता रहता है। और अभी आप सुन रहे थे ये सिद्ध क्षेत्र है, ठीक है, तो यहाँ पर भी कार्यक्रम को भी आशीर्वाद उनका मिलता रहेगा, हम भी देते रहेंगे। और अभी तक कथाएं बहुत सुनी, पर कहीं हम दूर ठहरे होते हैं ज्योतिर्मयन कथा करते हैं, मानसा में जरूर पास थे पर वो हाल था तो प्रतिध्वनि होती, हमको सुनाई नहीं पड़ी, यही सुनी। तो कथा दो ही सुन सकते हैं, या तो परीक्षित या परीक्षक, ठीक है, तो हम परीक्षक होके कथा सुनी है, अच्छी तरह सुनी, और हमारी दृष्टि से स्वामी ज्योतिर्मयानंद पास हो गए, ठीक है। अब अभी यही समाप्त करते हैं, आगे का कार्यक्रम कल। ओम शांति शांति शांति।